हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। जबरदस्त इसीलिए कि लोन लेकर आप अमीर कैसे बन सकते हो, मतलब लोन लेकर आप बहुत ज्यादा पैसे वाला कैसे बन सकते हो, आज का टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक का नाम सुनते आपके मन पे ऐसे सवाल आ रहे होगा, यार लोन लेके कौन अमीर बनेगा? लोन मतलब कर्जा है, उल्टा कर्जा में उतर जाएगा कि अमीर कैसे बन सकता है, ये कैसा टॉपिक है? ऐसे आपका मन पे सवाल आ रहे तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपका पूरा सवाल का जवाब इजी से मिल जाएगा, क्योंकि लोन लेकर भी अमीर बन सकते हो दोस्तों। एग्जाम्पल मैं कितना आपको बताऊं, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, ऐसा कौन बिजनेसमैन है जो लोन नहीं लिया है आज तक? सभी लोग, अंबानी से लेकर अडानी तक, किसी का भी नाम ले लीजिए, टाटा से लेकर सब किसी का बिरला तक, जो भी है वो सभी जो भी बिजनेस के लिए लोन लेकर ही बिजनेस शुरू करता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप ये वीडियो के जरिए आप लोन लेकर अमीर कैसे बनोगे, मैं इजी तरीके से आपको बताने वाले हूं दोस्तों। बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये वीडियो को अंत तक देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात है कि ये बिजनेस का, ये वीडियो का जानकारी, ये टॉपिक का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और जो भी आपको डाउट आता है प्लीज मुझे कमेंट्स में करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है दोस्तों, लोन कितना प्रकार का होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाए। पहला स्टेप है दोस्तों, लोन पर्सनल लोन होता है, होम लोन होता है, कार लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, गोल्ड लोन होता है, और दोस्तों एग्रीकल्चर लोन होता है, लैंड लोन होता है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, और कंज्यूमर लोन होता है। कंज्यूमर लोन मतलब वो होता है दोस्तों, आप जो हफ्ता के ईएमआई के ऊपर कोई भी सामान ले लेते हो, जैसे कि टीवी लिया, मोबाइल लिया, फ्रिज लिया, फैन लिया, जो भी आपका, जो वॉशिंग मशीन, जो भी घर के लिए जो सामान आपने लिया, उसका हर महीना आप जो ईएमआई भरते हो उसको कंज्यूमर लोन बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होता है क्रेडिट कार्ड लोन भी होता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट सब्सिडी का भी लोन होता है। लोन में बहुत प्रकार है। अभी मेन बात है कि आपको कौन सा टाइप का लोन लेना है, और लोन लेने के लिए पहला स्टेप आपके पास प्लानिंग होना चाहिए, मैं किस वजह से लोन ले रहा हूं, ये प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। जैसे कि बोलता है कोई लायबिलिटी के लिए लोन लेता है, मतलब दिखावा के लिए, दिखावा मतलब जैसे कार लिया, बाइक लिया, ये सब दिखावा है दोस्तों। वो दिखावा के लिए लोन लिया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आपका पूरा सेविंग खाएगा। जैसे कि अपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, आपने एक लोन पे आपने एक कार लिया, वो दिन के हिसाब से आपका पैसे खाते जाएगा। जैसे कि कार लिया तो आपको चलाना पड़ेगा, चलाना है तो आपको उसके लिए डीजल पेट्रोल तो लगेगा लगेगा, उसके लिए आपको पैसा लगेगा। ठीक है, और महीना खत्म होते है उसका ईएमआई आएगा, और ईएमआई का जो ब्याज आएगा, ये सब कुछ ना आपका सेविंग को पूरा खा जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात है कि हर दिन के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से, हर साल के हिसाब से आपका जो कार का रेट ना उल्टा कम होते जाता है दोस्तों, उसका ज्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल वही पैसा आपने प्रॉपर्टी में लिया तो हर दिन के हिसाब से उसका पैसा बढ़ते रहता है। तो इसलिए लायबिलिटी के, दिखावे के लिए लोन मत लीजिए। आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप किसके वजह से लोन ले रहे हो। लोन लेकर आपको पैसे कमाना है, लोन लेकर आपको अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है, तो मेरा एक रिकमेंडेशन है दोस्तों, लोन लेकर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। प्रॉपर्टी में हर दिन के हिसाब से आपको पैसे बढ़ते जाता है, तो आप खुद सोच लीजिए। किसी की मैं पूरा क्लियर समझाऊंगा, आपको सरल भाषा में समझाऊंगा, कहां से कैसे जगह से प्रॉपर्टी लेना है, कैसे कैसे लेना है, कैसे कैसे बेचना है। क्लियर है दोस्तों? पहली बात है, आप समझ लीजिए, प्रॉपर्टी बेचने से अच्छा आप खरीदने में विश्वास रखिए, क्योंकि जितना कम रेट पे आप प्रॉपर्टी खरीदोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, पहले यह समझते कि प्रॉपर्टी कहां पे खरीदना है, कौन सा लोकेशन। दोस्तों वैसा लोकेशन चूज कर लीजिए वहां पे जो ज्यादा ग्रो हो, जैसे कमर्शियल एरिया हुआ, आईटी कंपनीज हुआ, जैसे सिटी का जो नियर आउटसाइड में, सिटी के बाहर जो नजदीकी आउटसाइड में आप ले सकते हो, नहीं तो हाईवे जो गया है उसका अगल बगल में आप प्रॉपर्टी ले सकते हो। ऐसे जगह पे जो प्रॉपर्टी लीजिए कल आपका पैसे डबल नहीं ट्रिपल हो जाए।
जैसे कि आपके मन पे अभी सवाल आ रहे होगा, यार ऐसा प्रॉपर्टी बेचने वालों को हम कहाँ ढूंढे, और कहाँ पे वो लोग मिलेगा, इतना कम रेट पे हमको कौन बेच सकते हैं। वो दोस्तों बहुत जरिया है, बहुत जरिए से आपको कम से कम रेट पे जो प्रॉपर्टी मिलेगा वो भी अच्छे से अच्छा लोकेशन में। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारे जो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो जगह का ओनर को पकड़ना है, ये नहीं कि बीच में जो ब्रोकर रहते हैं ना उनको नहीं पकड़ना है, जगह का खुद जो मालिक है उनको पकड़ना है। वो लोग बहुत ज्यादा जो रीजन से बहुत कम रेट पे बेचेगा, जैसे कि किसी किसी को फैमिली इमरजेंसी रहता है, फैमिली प्रॉब्लम रहते हैं, लोन का प्रॉब्लम रहता है, किसी किसी को ऐसा रहता है कि उनको ये सिटी छोड़ के दूसरा सिटी में शिफ्ट होना है, तो वो लोग कम रेट पे बेचता है। ये सभी लोग ना आपको OLX में बहुत इजी तरीके से मिलेगा। वो लोग क्या करते हैं, जिसको भी जगह बेचना है, जिसको भी लैंड बेचना है, तो वो लोग OLX में अपना रिक्वेस्ट डाल देते हैं, अपना जो एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं, वहां पे आपको ऐसा कस्टमर बहुत ज्यादा मिलेंगे। और दूसरे रीजन वाले ऐसे मिलेंगे कि जैसे कि किसी ने जगह खरीद लिया, समझ लो वो लोग लोन लेकर जगह खरीद लिया, सही ढंग से लोन नहीं, मतलब EMI नहीं भर पाया, तो बैंक वाला उस जगह पे कब्जा कर लेता है। उस समय वो बैंक वाला कम से कम पैसे से वो जगह बेच के उनका जो लोन उनको रिकवर करने का रहता है, उस समय बैंक वाला कम से कम पैसे से उनका जितना लोन बकाया है, जितना लोन उनका बैलेंस है, उतना ही पैसे पे वो लोग जगह भी बेचता है। वैसे लोगों के साथ आप डील कर सकते हो, ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे तो बैंक वालों के साथ भी आपको कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। OLX एक ऐसे ऐप से दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जो लैंड का जो ओनर है, जगह का जो ओनर है, OLX में एडवर्टाइजमेंट करता है, जो प्रॉपर जो मालिक रहता है जगह पे। जैसे कि मैंने रीजन तो आपको बताया, जैसे कोई किसी किसी का फैमिली प्रॉब्लम में रहता है, किसी की फैमिली इमरजेंसी मतलब मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी रहता है, किसी किसी को दूसरा जगह शिफ्ट होने का रहता है, ऐसे बहुत सारे जो कस्टमर आपको OLX में मिलेंगे, उनसे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो कम से कम ब्याज पे। इजी सी बात है दोस्तों, कम से कम ब्याज पे आप खरीदोगे तो इसमें तो आपको अमीर बनना है। कैसे अमीर बनना है तो मैं आपको वो भी इजी तरीके से बताऊंगा दोस्तों। कम से कम अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, 10 लाख रुपए में आपने एक जगह खरीद लिया, समझ लो। पहली बात है कि आप कम से कम पैसे से खरीद लिया है, क्योंकि उनको इमरजेंसी था, उस समय आपने कम से कम पैसे से जो 12-13 लाख का जो प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए में खरीद लिया, समझ लो, उसी समय या 1-2 महीने के बाद आप वो जगह को बेच दीजिए 12-13 लाख रुपए में। मतलब एक ही डील पे आपने मिनिमम 2-3 लाख रुपए आपने कमाया। समझ लो आप ना 1-2 लाख रुपए भी डाउन पेमेंट से वो जगह खरीद लिया, और 2 लाख रुपए में डाउन पेमेंट दिया, समझ लो 8 लाख रुपए का लोन आपने लिया, समझ लो 1-2 महीने में वो जगह आपने बेचा, तो 2 महीने में 8 लाख रुपए का कितना ब्याज हो सकता है दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा 50,000, उससे 50,000 तो बहुत हो गया। मतलब एग्जाम्पल पे तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, 50,000 भी नहीं होता है, 50,000 भी आपने जो उसका जो ब्याज आपने दिया 8 लाख रुपए का 2 महीने पे, और दोस्तों 1.5 लाख रुपए आपने एक ही डील पे कमाया। ये होता है दोस्तों, बड़े बड़े लोग ऐसे ही करता है, कोई भी बिजनेस बड़े लोग बिना कर्ज से बिना लोन से कोई भी बिजनेस खड़ा करता ही नहीं है। पहले फाउंडेशन के लिए वो लोग लोन से ही शुरू करता है। बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल आपके पास भी है, ठीक है दोस्तों। वैसे ही आप कर सकते हैं, 1 साल में आप सिर्फ 2-3 भी डील आपने ऐसे किया ना, 8-10 लाख रुपए आप आराम से कमाओगे दोस्तों। 5-6 लाख रुपए भी आपने कमाया तो 5-6 लाख का अलग से आपने एक जगह खरीद लिया, तो पूरा पैसा आप दे सकते हो वो ओनर को 5-6 लाख रुपए में। वो 5-6 लाख का पूरा जगह आपके पास आया, वो 5-6 लाख का 8-10 लाख रुपए में आपने बेचा, तो एक ही साल में आप 8-10 लाख रुपए पूरा कमाई हो गया। इसमें आपको कहां पे डाउट आ सकते हैं दोस्तों? इजी सी बात है, मैं फिर रिपीट बता रहा हूं, जगह जो प्रॉपर्टी ना बेचने से अच्छा आपको खरीदने में विश्वास रखिए। आप कम से कम प्राइस पे आपने खरीद लिया तो दोस्तों आपको इजी सी बात है प्रॉफिट होना ही होना है, और इसके लिए लोन लेना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। लायबिलिटी के लिए, जो दिखावा के लिए जो लोन लेते हैं वो गलत है, और ये प्रॉपर्टी में आप ऐसा जो प्रॉपर्टी डील करोगे तो इसमें आपको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई गलत नहीं, इसमें आपको पैसे कमाना ही है।
एक दो महीने में दो दो 3 लाख रुपए तो ब्याज होगा ही नहीं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार रुपए होता है। लेकिन 50 हजार रुपए भी आपने ब्याज दिया तो भी दोस्तों एक एक महीने में आपने एक एक डील पे आपने 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमाओगे दोस्तों। तो प्लीज सोचिए दोस्तों, मैंने यहां पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर्टी की बात किया हूं दोस्तों। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप ना बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप शेयर शेयर मार्केटिंग का नॉलेज आपके पास है तो शेयर मार्केटिंग में आप यूज कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हो। बहुत सारे जो जरिए है दोस्तों, अच्छा अच्छा जो जगह पे आप ये पैसे यूज कर सकते हो, लोन का पैसे। क्योंकि एग्जाम्पल प्रॉपर्टी के अलावा मैं शेयर मार्केटिंग के भी बात किया दोस्तों, वहां पे बहुत स्पीड, बहुत जल्दी आपका पैसे ग्रो हो जाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए, आप खुद समझ लीजिए दोस्तों, आपको ये लोन का पैसे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। लोन लेने से पहले पहले प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, आपको ये लोन का पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लायबिलिटी के लिए यूज मत कीजिए दोस्तों, कोई दिखावा के लिए यूज मत कीजिए। प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में, ऐसे जगह पे यूज कीजिए, अच्छा खासा पैसे कमाओगे दोस्तों। आप जो जॉब कर रहे हो, जो जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसके अलावा भी ये पार्ट टाइम के लिए भी ये बिजनेस किया, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, शेयर मार्केटिंग का बिजनेस किया, तो आप बहुत अच्छा पैसे कमाने वाले हो दोस्तों लोन से ही। प्लीज ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर, और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, और बढ़िया तरीके से बेस्ट टॉपिक का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों।